ए दर्पण, तू उस दिन बोल रहा था ना कि तेरी हाथ की चाय बहुत मस्त है। तू बोल रहा था ना कि तेरे हाथ की चाय बहुत मस्त है। तू शेफ है ना? हाँ बोल। ये हमारा शेफ है, आज हम दोनों चाय बनाएंगे और ये जज करेगा कि किसका अच्छा बनता है। आप हमारे शेफ है, हाथ मिलाइए हमसे। आप हमारे चैलेंजर हैं। हाँ कैमरा एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर ब्रो। हमारे मैं तेरे पे लाइटिंग की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं आ रहा कोई बात नहीं भाई। तुम ऑलरेडी लीट हो। वाओ नाइस। चाय में पान की जगह पहले ही दूध डालते हुए। ए अभी नहीं बोल सकता है तू भाई। नो यू कांट जज ऑन माय प्रोसेस। ओके दिस इज माय प्रोसेस। ओके सो आ रही तू बना भाई। सॉरी तुम लोग ऐसे है ना प्रियर, मेरे को प्रेशर मत दो यार। मैं जैसे बना रहा हूं बना बनाओ बनाओ बना। अरे भाई क्या टेस्ट, क्या मैं टेस्ट देखना भाई साहब, क्या टेस्ट आ रहा है भाई। बनाओ बनाओ। एक मिनट सर, आप टेस्ट देखोगे कि टेस्ट करोगे? नहीं नहीं मैं टेस्ट करूंगा। ओके टेस्ट देखा नहीं जाता सर। ये रोस्ट वीडियो नहीं है, वो तो रोज होता है, कोई नया चीज नहीं है भाई। इट्स न्यू नॉर्मल नाउ। सर क्या लगता है आपको कैसी चाय बनेगी? मस्त बनेगी। कैसा महसूस हो रहा है? अरे हमारी गांड फटी हुई है। ये मस्त बनेगी उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था ना। कैसा महसूस हो रहा है? प्रेशर कभी फील नहीं किया चाय बनाते हुए। बाथरूम में भी इतना प्रेशर फील नहीं होता कभी नहीं। वीडियो वायरल करो गाइस। सीसीटीवी कैमरा यहाँ नहीं है गाइस, सैंडी को बुलाना पड़ेगा सीसीटीवी लगवाने के लिए गाइस। सैंडी ओपी इन द कमेंट्स। हैशटैग लोड लेना चाहिए या नहीं? हाँ हैशटैग लोड लेना चाहिए कि नहीं जीवन में? हैशटैग बताओ, कोरोना में आप कैसा महसूस कर रहे हो? और बताओ गाइस सरकार क्या कर रही है तुम्हारे यहाँ? ज्यादा पॉलिटिकल अब आएगा बीप। एंट्री ले ली है भाई। अरे भाई देख के तो मेरी फट रही है भाई। सौरभ बाजू में बैठिए आप। मैंने नहीं बनाया। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। कोई बात नहीं, आप लीजिए अपना समय। ओ खेलो दिमाग से, खेलो दिमाग से। इसे लग रहा है मैं इतना कर लूंगा तो मैं पास होऊंगा। ठीक है तो रिव्यू जो है वो विकास लास्ट में देंगे, और अभी फेस एक्सप्रेशन तो रिकॉर्ड हो ही गए हैं कैसा क्या है, और बाकी का देख लो। वापस से ऊपर फेस एक्सप्रेशन पे मत जाओ। भाई ऑस्ट्रेलिया में इसको भेजो रे शेफ, मास्टर शेफ में भेजो इसको भाई। क्या मतलब रहा फेस एक्सप्रेशन से ये लोग देख लेंगे। सही बात है, सही बात है। वो नहीं, ठीक है चलिए आपकी चाय खत्म हो गई सर। मैं चाय अभी। ओके आप अपने एंजॉय कीजिए, हम अपने मिशन पे जाते हैं। नो नो हेल्पिंग। ये ना काम कर तू, ये वाला यूज कर भाई। बोलो ये वाला केस चालू करना भी नहीं आ रहा। रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। अरे बिगड़ा हुआ देख रहा। नहीं नहीं कुछ बिगड़ा नहीं है। सौरभ ने उसको बनाया भाई, और तू उसका घर है, उसको एडवांटेज भाई। ऊपर का कैमरा तेरा घर है, तेरे को एडवांटेज नहीं होगा। तेरे को पता होगा चीनी में कितनी कैलोरी वाला है। ओह इतना नहीं पता। चाय का कितना कड़कपन है, इसके उबाल कितना होगा है।
देखिए हमारी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी एकदम थोड़ी अलग है ठीक है। और मैं फेवरेटिज्म पे नहीं जाऊंगा भाई। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। विकास भले मेरा बेस्ट फ्रेंड है लेकिन वो एक अच्छा शेफ है अच्छा शेफ है तो उस हिसाब से जस्ट फेवरेटिज्म पे नहीं जाया जाएगा। सुनो वेयर इज द शुगर? शुगर इज हियर ब्रो। ओके आई वांट शुगर जस्ट मेरी तरह मीठा। देखिए यहीं पे डिफरेंस पड़ता है थोड़ा सा। आपको पता होना चाहिए कि शेफ की पसंद क्या है तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिलता है। अरे ये मास्टर शेफ वाली फीलिंग कहाँ आ रही है भाई? ओ इतना मीठा बनेगा ये दो चीनी? तुम चेक करो तुम कैसे बोल रहे हो कि दर्पण मीठा है। दो चीनी दो चम्मच चीनी डाल दिया भाई। बोला मत तुमने भी उतना ही डाला था। मैंने डेढ़ डाला था। ये भी डेढ़ ही डाला। अंधा है अंधा है क्या? इसलिए बोला क्लोजअप शॉट लिया। अरे बंद नहीं हो रहा सर बंद करो। क्लोजअप शॉट में सर आपका फेस नहीं आएगा सर। अच्छा चमची अंदर रख दे। अंधा है क्या? अंधा है लौड़े घर में है ना अपन वैसे नीचे से हाथ से निकालना सिखाएगा मेरे को सिखाएगा बाप को सिखाया बोल कैसे सकता है मीठा है क्या दो चम्मच है चीनी चीनी भले कम हो चीनी भले ज्यादा हो हम भी मीठे ज्यादा है ऐसा बोलना चाहते हमारे हाथों में ऐसा कड़क पाने की मिठास नहीं बढ़ती। चाय उबल रही है जैसे ये गुस्सा है ये मेरा गुस्सा है अब मेरा गुस्सा बढ़ रहा है देखो मेरा गुस्सा बढ़ रहा है मैं गुस्सा शांत कर लेता हूँ अपना। ये देखो ये भाई ये चाय भी उबल रही है और मेरी हार भी। भाई तू सिनेमेटिक शॉट का ही नहीं ले रहा है क्योंकि इसने ले लिया भाई कितना लेगा सिनेमेटिक। मेरा नहीं ले रहा है वो अलग बात है। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ एक बार ऐसे घूम जा आई जीत की खुशबू आई आई तुम भी आओ तुम भी स्मेल लो ऐसा बोलेगा ना सर। मेरी जीत की खुशबू आ रही कोई स्मेल नहीं नो स्मेल। व्यूअर्स भी स्मेल ले लो कुछ भी मतलब। हाँ भाई कुछ भी लेजेंड्स टेस्ट चाय लाइक दिस। टाइट होता टाइट ओए नहीं नहीं ये सब नहीं है चीटिंग पूरा। गुड इवनिंग सर। ओ माय सर दिस इज योर टी। दिस इज योर टी थैंक यू। योर टी क्या होता है भाई? मेरी चाय। अरे बिना चल लेता भाई बहुत ज्यादा रूखा सूखा लग रहा है यार। भाई रूखा सूखा ये मेरे पास वो घर पे सामान नहीं रखा इतना आगे नहीं आना था। मैं नहीं रिस्पॉन्स दूंगा वरना तो बोलेगा खुद का खुद साबित कर रहा है। ये चीटिंग नहीं हुई किस लिए भाई? तू चाय वाय पी के बाजू में बैठ के चाय पी रहा है ऐसे सब। चाय तो पीऊंगा ना मैंने बने पी रहा हूँ ठीक है ना। ओके सो विकास अभी बताएगा सबसे पहले सौरव की चाय कैसी थी। और विकास हमको बता रहा था कि उसने हम लोग जब चाय बना रहे थे तो बीच में कुछ बोला था वीडियो में। तो क्या बोला था तुमने वीडियो में? मैंने वीडियो में बीच में यही बोला था तो जैसे कि आप लोगों ने अब तक वीडियो में देखा ही होगा कि उन लोगों को लग रहा है कि मैं सिर्फ उन्हें ऐसे ही मार्क्स दे दूंगा बट मैंने खुद से कुछ पैरामीटर्स सेट किए हैं। और जो पैरामीटर्स मैंने सेट किए हैं वो है कि पहला उनका टेस्ट कैसा है और दूसरा चीज़ जो है कि वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं उस चाय को और कैसे सर्व कर रहे हैं। सो देखते हैं आगे वीडियो में। पहला तो भाई चाय का टेस्ट इसका एक नंबर था ठीक है। मतलब एक नंबर बोले तो
ज्यादा लंबा नहीं खींचना वीडियो को। अदरक कम था और पत्ती ज्यादा था, मीठा बराबर था, ठीक है। तो मैं इसको दूंगा 10 out of 8 इन टेस्ट। और प्रेजेंटेशन में देखा जाए तो भाई ने भरावदार भर के दिया तो वो लेकिन सादा था, थोड़ा भरावदार था, तो 10 में से मैं उसे दूंगा 6.5। प्रेजेंटेशन इतना नहीं होता है एक्चुअली। तो अभी आते हैं घूम फिर के लड्डू पे, टोटल स्कोर, टोटल स्कोर 20 में से यू नो 14.5, ठीक है। नो फेवरेटिज्म, ठीक है, वापस से बता देता हूँ इसका धक्का हो रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो प्रेजेंटेशन था, हक दिया था, हाँ मतलब दोनों ने सबसे बड़ी गलती की कि दोनों को हाँ हॉस्पिटैलिटी का पता है नहीं। और हालांकि मैंने बता रखा था कि ट्रे कभी भी लाके टेबल पे नहीं रखा जाता है जो कप होता है ना सिर्फ वो रखा जाता है। यही गलती इसने की और यही गलती इसने की, कोई बात नहीं, अगली बार हम लोग वेटिंग की वो कर लेंगे। प्रेजेंटेशन में मैं इसे दूंगा, हाँ खाली भरावदार भी नहीं था, खाली भी नहीं था, तो मैं इसे दूंगा 6, ठीक है। प्रेजेंटेशन ठीक है, पता जल्दी पता है। अरे और टेस्ट में देखा जाए तो पत्ती बराबर था, हाँ अदरक ज्यादा था, 0.5 था, लेकिन जो मीठा था ना वो था, यस मतलब बहुत ज्यादा कड़क थी, तो मैं इसे टेस्ट में दूंगा 7.5। अरे यार तू जीत गया, क्या बोला? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ड्रॉ करना, इट्स अ ड्रॉ। 7.5 और 6 13.5, 14.5 है मेरा। हां हां मैं 8.5 दे रहा था, सुन ले भाई, देखो देखो ये, अरे रुको, ये टाई टाई इस बेसिस पे हुआ कि सौरभ ने ना चाय का टेस्ट बहुत अच्छा था, हाँ। लेकिन प्रेजेंटेशन में भरावदार दे दिया, सही है। इसका प्रेजेंटेशन अच्छा था, हाँ। लेकिन इसने चाय में भरावदार कम किया। ओके ओके, तो क्या बैलेंस ठीक है, मतलब पॉइंट है, कुल मिला के चाय मेरी अच्छी, हाँ चाय इसका अच्छा था लेकिन प्रेजेंटेशन भाई का अच्छा था, ठीक है। ओके गाइस, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी किसी और दिन चाय बनाएंगे मेरे घर पे, फिर बताऊंगा इसको, हाँ। ये होम एडवांटेज भी हो सकता है, लेकिन क्या फिर थोड़ा ज्यादा मुंह चलाने वाले का भी ऐसा होता है। So hello guys, guys मैं ये बोल रहा हूँ guys कि तुम भी बोलो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, yes guys, शेयर कर देना guys, लाइक करना guys, कमेंट करना guys, अच्छा लगा हो ना तो यार वो जो नीचे लाल वाला है ना उसे सब्सक्राइब कर देना, घंटा बजाना हो तो बजाओ, नहीं बजाना तो कोई बात नहीं, लेकिन लाल वाला बटन दब जाना चाहिए। वीडियो देखना, देखो वीडियो भाई, शेयर जरूर करना तुम लोग यार।